और वो लेट्स बिगे विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोबीबिलिटी प्रोबेबिलिटी का आगाज करते हैं इन शाह प्रोबेबिलिटी वो टॉपिक है जो ओ लेवल और आई जी सी ऐसी मैथेमेटिक्स में भी आप लोग अच्छी तरह से पढ़ते रहे हैं और बेसिक्स आपको लोगों को पता है लेकिन मैं फिर भी मैंने जो है नोट्स बनाए हैं उसके अंदर मैंने बेसिक बातों को भी इंकॉर्प्रेट किया है तो वॉट इज प्रोबेबिलिटी एंड हाउ डू वी फाइंड बेसिक प्रोबिलिटी एंड देन लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंट एस्पेक्ट देट आर

पास्ट में जो हो चुका उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं होती जो होने वाला है जो आने वाला कल है उसके बारे में प्रोबेबिलिटी होती है एक बच्चे का ए ग्रेड आना था हम सोच रहे थे कि आएगा या नहीं आएगा और आ गया अब हम कहें बताओ उसके ए ग्रेड लाने की क्या प्रोबेबिलिटी है तो इट मेक्स नो सेंस भाई उसका ए ग्रेड आ चुका है बारिश होनी थी या नहीं होनी थी क्या बारिश आज होगी या नहीं होगी तो हम सोच रहे हैं भाई कितने परसेंट चांसेस हैं कितनी प्रोबेबिलिटी और जैसे ही बारिश हो गई हम कह रहे हैं भाई अब बताओ बारिश होगी या नहीं होगी सर बारिश होगी या नहीं होगी का सवाल कहाँ बनता है तो बारिश हो गई तो प्रोबेबिलिटी ऑलवेज परटेंस टू फ्यूचर फ्यूचर से इसका ताल्लुक है कि समथिंग दैट इज लाइकली टू अकर इन फ्यूचर एंड देर इज अ लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट वन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म प्रोबेबिलिटी इज़ द लाइकलीड ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इनडम एक्सपेरिमेंट प्रोबेबिलिटी हमेशा जीरो से वन के दरमियान हो कभी कोई कहे प्रोबेबिलिटी नेगेटिव में इट इज़ नॉट पॉसिबल वजूल बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी वन से ज़्यादा ये भी मुमकिन नहीं प्रोबेबिलिटी कम से कम जीरो ज़्यादा से ज़्यादा वन होती है ज़ीरो का मतलब है कि इमपॉसिबिलिटी तब मैं कह रहा हूँ बारिश होने की कोई प्रोबेबलिटी मुझसे पूछता है और मैं कहता हूँ प्रोबेबलिटी जीरो है इसका मतलब मैं इन अद ये कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में आज नामुमकिन है बारिश का होना इसीलिए इसी तरह अगर किसी से पूछा जाए भाई बताओ आज बारिश होने के चांसेस क्या है और कोई कहता है कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी वन है इसका मतलब उसकी नज़र में आज बारिश होने के चांसेस हंड्रेड परसेंट है तो ज़ीरो का तो मतलब है कि भाई इम्पॉसिबल होगा ही नहीं नामुमकिन है वन का मतलब ये है कि हंड्रेड परसेंट हो जाएगा तो हंड्रेड परसेंट याद रखें परसेंटेज जब हटता है साइन तो हंड्रेड परसेंट का मतलब होता है हंड्रेड अपॉन हंड्रेड हंड्रेड अपॉन हंड्रेड विच इज इक्वल टू वन तो हंड्रेड परसेंट परसेंटेज में हंड्रेड परसेंट और प्रोबेबिलिटी में वन द हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट द मोर लाइकली इट इज दैट द इवेंट विल विलअ वेरी कॉमन सेंस की बात है जितनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी उसके इवेंट के उतने ज़्यादा चांसेस होंगे एग्जाम्पल है सिंपल एग्जाम्पल इज द टॉसिंग ऑफ अ फेयर कॉइन अब यहाँ जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि हमें पता हो मतलब फेयर का और अनबायट इज द मीनिंग ऑफ दर्ड्स फेयर एंड अनबायन इनका क्या मतलब है तो याद रख फेयर का दूसरा वर्ड है अनबायस्ड और इन दोनों वर्ड्स का मतलब ये होता है कि जितने भी आउटकम्स होंगे तमाम आउटकम्स के आने की प्रोबेबिलिटी बराबर होगी मतलब इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं टॉसिंग कॉइन, विच इज फेयर तो कॉइन में दो आउटकम्स होते हैं हेड्स एंड टेल्स या तो हेड्स आएंगे या हेड आएगा या टेल आएगा और अगर तो वो फेयर कॉइन है तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस बराबर होंगे हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस बराबर होंगे तो अगर दो आउटकम्स हैं तो फिफ्टी परसेंट हेड की चांसेस हैं फिफ्टी परसेंट टेल के चांसेस हैं इसका मतलब एवरी आउटकम हैज द प्रोबेबिलिटी वन अपॉन टू यही लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इक्वल्स वन अपॉन टू दैसे और परसेंटेज में फिफ्टी प्रोबेबिलिटी तो हम परसेंटेज में यूजुअली नहीं लिखते या तो हम फ्रैक्शन में देते हैं या डेसिमल में देते हैं और अगर डेसिमल में देने का उसने नहीं कहा तो फिर आप फ्रैक्शन में ही छोड़ दिया करो बट परसेंटेज में सिर्फ ऐसे ही बताया है कि भाई बताने के लिए कि भाई देखो हाफ या पॉइंट फाइव का मतलब परसेंटेज में फिफ्टी परसेंट होता है प्रोबेबिलिटी जब पूछी जाती है तो हम परसेंटेज में आंसर नहीं दे रहे होते अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है फेयर का मतलब हम समझ गए फेयर और अनबाइस का सेम फेयर और अनबायस एक दूसरे के है। और अगर बायस लिखा हुआ होगा बायस या अनफेयर लिखा हुआ होगा तो इसका मतलब होगा आते सवाल और लिखा हुआ होता है कि बायस बायस कॉइन है तो बायस कॉइन का मतलब है हेड्स और टेल्स के आने के चांसेस बराबर नहीं अब कोई बोले सर ये कैसा दिखता है बायस कॉइन मैंने तो कभी नहीं देखा भाई देखा तो मैंने भी कभी नहीं मुझे नहीं पता कैसीनो में यूज होता है कहाँ यूज होता है भारत किताबों में इसका जिक्र है लिहाजा हम उसको मानेंगे कि हाँ भाई या डाई सिंगुलर होता है तो डाय कहते हैं और प्लूरल होता है तो डाइस कहते हैं ये भी एक कन्फ्यूजन बच्चों को रहती है तो उसके हम बाद में बात करते हैं अभी हम कॉइन की बात करें तो कॉइन अगर फेयर है इसका मतलब आउटकम्स के चांसेस बराबर हैं दोनों आउटकम्स के और अगर वो बायस्ड है इसका मतलब हेड्स के चांसेस और टेल्स के चांसेस अलग अलग होंगे उस केस में एग्जामिनर इज बाउंड टू टेल मी द प्रोबेबिलिटी ऑफ़ हेड्स एंड टेल्स क्योंकि हमें खुद तो वही न, वही नाजी नहीं होगी कि बायसड है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी हेड्स और टेल्स की वो बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज थ्री अपॉन फोर प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल विल ऑटोमेटिकली भी वन अपॉन फोर तो वो प्रोबेबिलिटीज हमें गाइड की जाएंगी अगर बायसड है तो और फेयर कॉइन में दो पॉसिबल आउटकम है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इक्वल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स टेल्स प्रोबेबिलिटी हेड्स की और की क्या है बराबर अच्छा कैलकुलेशन ये बात हमने डिस्कस कर ली है कैलकुलेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट जब किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मुझे ढूंढनी हो तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपने ढूंढनी है उसके आउटकम्स आते हैं न्यूमिनेटर में और टोटल पॉसिबल आउटकम्स आते हैं इवेंट डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटपुट्स इवेंट के जितने आउटकम्स हैं वो न्यूमिनेटर में आते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में आते हैं ये बात क्या लिखी हुई है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन जीरो एंड वन ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली बिटवीन जीरो पर लिखी हुई अलग स्टाइल इन इक्वाइटी फॉर्म प्रोबेबिलिटीज भी ग्रेटर अच्छा फिर ये वाली बात क्या लिखी हुई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो ए कॉम्प्लीमेंट है इसका मतलब इवेंट ए नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इक्वल मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो रेन इक्वल वन क्या मतलब कोई कहता है बारिश होने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट सेवन है तो बारिश ना होने की प्रोबेबिलिटी पॉइंट थ्री हो जाएगी और दोनों का आंसर मिला के बन होगा बेसिकली अगर इन दोनों में से कोई एक पता चल जाए तो वन में से माइनस करके दूसरी निकाली जा सकती है ये मतलब है तो अगर मुझे इवेंट के होने के चांसेस पता चल जाए पॉइंट सेवन तो अगर वन से पॉइंट सेवन माइनस करूंगा तो मुझे इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी पॉइंट थ्री और इसी तरह अगर मुझे इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी पता चल जाए कि इवेंट ए नॉट हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉइंट फोर है वन से अगर मैं माइनस करूंगा तो पॉइंट सिक्स आंसर आ जाएगा विच विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग तो किसी इवेंट के होने के चांसेस और ना होने के चांसेस वन के बराबर होते हैं इसका मतलब अगर होने के चांसेस पता चल जाए तो वन से माइनस करके ना होने के निकाले जा सकते हैं। और ना होने के पता चल जाए तो वन से माइनस करके होने के निकाले जा सकते हैं। तो ये पॉइंटर जो है वो इस बात को कम्युनिकेट कर रहा था जो मैंने आपके सामने रखी और ये बात हम जानते हैं पहले से भी कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए उस इवेंट के आउटकम ऊपर लिए जाते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम्स डिनोमिनेटर में लिए जाते हैं तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन एन इवेंट डिवाइड बाय द नंबर ऑफ़ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सही है तो ये आपकी जो है वो फॉर्मूला हो गया जो हमने पहले से पढ़ा हुआ यहाँ तक बेसिक्स हैं और मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है कोई ऐसी मैंने मुश्किल और नई बात नहीं कही यहाँ तक सब अमन है ना, एक एक्नोलॉजमेंट देता मुझे भी तसली रहती है तमाम सुनने वाले मेरे साथ हैं भी या नहीं चले मूविंग फॉरवर्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एंड इवेंट्स अब ये कौन सी इवेंट्स होती हैं और एग्जामिनेशन में जब सवाल आता है तो किस तरह से साबित करते हैं ये हम समझेंगे वॉट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव उस वक्त होती हैं जब वो एक साथ आकर ना हो पाए इन अदर वर्ड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट्स मतलब ये कि दो इवेंट्स में जब कुछ कॉमन आउटकम्स ना हो तो ऐसी इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहा जाता है If two events are considered disjoint events, then the probability of both events occurring at the same time will be zero. अभी आप लोग जब पढ़ते थे सेट्स एंड वेन डायग्राम्स तो सेट्स एंड वेन डायग्राम जब पढ़ा करते थे तो उसमें आप लोग सर्कल्स बनाया करते थे तो so, अगर आप दो सर्कल्स बनाते हैं दो इवेंट्स के लिए और दोनों में कोई कॉमन आउटकम्स नहीं होते हम कहते थे सेट्स आर इफ यू रिमेम्बर यही पिक्चर आपने जहन में लानी है इवेंट ए में जो आउटकम्स हैं और इवेंट बी में जो आउटकम्स हैं, उनमें कुछ कॉमन नहीं है दे आर डिस में हम बोलते थे <coughs> और यहां पर हम बोलेंगे डिसजॉइंट इवेंट्स टू इवेंट्स आर सेट टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ दे कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम इन अदर वर्ड्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर कॉल्ड डिस

या बोलोगे टेल आए अब ये तो नहीं बोलोगे हेड्स भी आ गया और टेल्स भी आ गए दोनों में से कोई एक आए दोनों एक साथ अकड़ नहीं हो सकता तो अगर एक इवेंट है हेड का आना और दूसरी इवेंट है टेल का आना तो उसमें कुछ कॉमन आउटकम नहीं है दोनों एक साथ नहीं आ सकते मतलब ये तो होता ही है कि एक कॉइन टॉस है कॉइन टॉस के अंदर हम जब कॉइन को फेंकेंगे तो हम कहेंगे या तो हमारा हेड आएगा या हमारा टेल आएगा बट हम कोई भी हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि दोनों आ गए दोनों नहीं आ सकते तो, तो हेड नहीं आएगा और हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा इसका मतलब द आउटकम्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अच्छा अब ये तो हमें कॉन्सेप्ट समझ में आके अब सवाल ये पैदा होता है एग्जामिनेशन में जब वो मुझे कहता है डिटर्मिन वेदर द इवेंट्स ए एन बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉट दैन हाउ डू बी जस्टिफाई क्योंकि वो सिर्फ ये नहीं कहता कि आर दे आर दे

आपको याद होगा कि जब हम सेट्स पढ़ा करते थे तो हमसे कुछ पूछता था इस ज्वाइंट सेट्स में कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बताओ तो हम कहते थे ज़ीरो और कोई हमसे पूछता था ए इंटरसेक्शन बी सेट बताओ क्या है तो हम कहते थे नल सेट कि नल सेट का सिंबल होता था जिसमें कर्ली ब्रैकेट खोल के बंद कर देते थे या फिर ये साइन बनाते थे फाइ का ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू नल सेट अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाता तो नल सेट और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पूछा जाता तो जीरो ये सेट्स में होता था जब नंबर ऑफ आउटकम्स ही जीरो है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी जीरो अच्छा याद रखें, इंटरसेक्शन को एंड कहा जाता है प्रोबेबिलिटी की जबान में तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कह लें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कह लें मार्किंग स्कीम में दोनों चीजें हमें नजर आ रही होती हैं अक्सर तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल जीरो तो अगर किसी सवाल में हम ये देखें कि दो इवेंट्स ए एंड बी जो डिफाइंड है उनमें कोई कॉमन आउटकम्स नहीं है तो हम कहेंगे यस द इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और रीजन हम देंगे एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बीवल सीरो मैंने बोल्ड किया क्यों किया ये बताने के लिए कि दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सिर्फ उस वक्त तक है सिर्फ उस वक्त है जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जीरो तो अगर कभी मैं लिखूंगा कि आर द अगर मैं लिखूंगा यस द इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो द रीजन आई विल राइट एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल जीरो और अगर कभी मुझे लगता है कि दोनों में कोई कॉमन आउटकम्स हैं दो इवेंट्स हैं उनमें कोई कॉमन आउटकम्स हैं तो ऐसे इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होते तो हम लिखेंगे नो द इवेंट्स आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज प्रोबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू वन ओवर सिक्स और टू ओवर सिक्स विच इज़ नॉट इक्स टू ज़ीरो बात इसको मैं कम्युनिकेट करूंगा कि मैं जानता हूं कि प्रोबेबिलिटी क्यों के जीरो के अलावा आ रही है इनके कॉमन आउटकम्स की लिहाजा ये दो इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी जीरो है

आपको बतानी पड़ेगी ऐसा नहीं कह सकते आपके, इसमें ये नहीं पता चल रहा कि अगर आप कह रहे हो कि not to zero है, तो आखिर है क्या तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपने लिखनी होती है ये इसके भी marks होते हैं। हैं इसको की समझते है के समझते बात और समझ में आ जाए एग्जाम्पल वन कह रहे हैं इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज इवेंट ए है द नंबर ऑन द थ्रो इज एन ऑर नंबर और इवेंट बी है नंबर ऑन थ्रो इज एन इवेंट नंबर अब सवाल पूछा जा रहा है आर इवेंट्स ए एंड बी एक्सक्लूसिव जस्टिफाई आंसर क्या समझते हैं आप लोग क्या ए एंड बी एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं या नहीं है और अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो जो बात मैंने अभी आपको समझाई थी उसकी बेसिस पर जरा हम अटैम्प्ट करें और मुझे ज़रा चैट पर बताएं कोई तो लंबी चौड़ी नहीं है सोच के बताना है फॉर से चैट पर पार्टिसिपेट करके बताएं आपके क्या तासुरात है इस वाले से फीचर बिल्कुल सही है लेकिन देखिए पार्सल तकरीबन सबका सही है साहब आपका पार्सल ही थोड़ा सा आपने कह दिया कि नॉट एक्सक्लूसिव है बिकॉज इंटरसेक्शन की ब्रोटी जीरो है तो जब इंटरसेक्शन की ब्रोटी जीरो होती है तभी तो एक्सक्लूसिव होते हैं एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है नथिंग इज़ कॉमन बिटवीन दैट दे आर डिस्ट्रॉइंट तो अगर ऑड नंबर आएगा तो इवन नंबर नहीं आएगा और अगर इवन नंबर आएगा तो ऑड नहीं आएगा दे के नाट अकर एट द सेम टाइम वेरी सिंपल। तो अगर हम आउटकम्स भी लिखना चाहें तो ए के आउटकम्स क्या है वन थ्री फाइव और बी के आउटकम्स क्या है टू फोर सिक्स हमें नज़र आ रहा है कि इनमें कोई कॉमन आउटकम्स है ही नहीं तो हम कहेंगे गेस द इवेंट्स ए एंड बी आर एक्सक्लूसिव एज प्रोबेबलिटी ऑफ एंटरसेशन बी इज इक्व जीरो जी हाँ इवेंट्स ए एंड बी एक्सक्लूसिव है क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है ये जो बोल्ड लेटर्स में मैंने लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी लिख दें या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिख दें इक्वल e टू जीरो करके तो फिर आप कहेंगे कि यस दे आर एक्सक्लूसिव सही एग्जांपल वन हो गया अच्छा एग्जांपल टू में क्या आ रही है बात एग्जांपल टू देखते हैं अ फेयर डाई इज थ्रोन वंस इवेंट्स ए एंड बी आर डिफाइंड एज फॉलोज द नंबर ऑन द थ्रो इज एन इवेंट नंबर एंड इवेंट बी है द नंबर ऑन द थ्रो इज ग्रेटर देन फोर यहाँ लिखा हुआ इवेंट नंबर और यहाँ लिखा हुआ ग्रेटर देन फोर आर इवेंट एंड बी एक्सक्लूसिव जस्टिफाई ट्राई एंड एग्जाम्पल नंबर टू भी मुझे बताएं चैट पर क्या तसुर हैं आप लोग सही है वेरी गुड सबके आंसर सही हैं दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज देर आर कॉमन आउटकम्स क्योंकि इवन नंबर हैं कौन से? 2, 4, 6. 4 कौन से टू फोर सिक्स और ग्रेटर देन फोर वाले नंबर्स कौन से फाइव एंड सिक्स तो ये कितने आउटकम्स हैं एक आउटकम है क्योंकि कॉमन आउटकम्स मौजूद हैं बिकॉज कॉमन आउटकम्स मौजूद हैं लिहाजा कॉमन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है लिहाजा इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हो कॉमन आउटकम्स नहीं होते कोई भी आउटकम कॉमन नहीं होता तो फिर हम कहते हैं डिसजॉइंट हैं लिहाजा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जीरो है लिहाजा वो एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं लेकिन अगर कोई कॉमन आउटकम्स होंगे तो हम कहेंगे दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अच्छा अब ये याद रखें मैंने पहले भी आपको कहा था कि आउटकम को बताना तो है वो तो आपने आइडेंटिफाई तो करना है बट उसकी प्रोबेबिलिटी भी बतानी है अब अक्सर बच्चों को प्रोबेबिलिटी देने में मसला आता है कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी दे गेट कंफ्यूज ओवर दिस तो अब आपने ये देखना है कि ए और ए इंटरसेक्शन बी जो है उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो वन ओवर सिक्स कैसे बच्चे अच्छा कहते हैं सर तीन आउटकम्स यहाँ पर हैं यहाँ दो हैं तो किस तरह से वन ओवर सिक्स करें तो आपको ये याद रखना है कि अगर मैं ए इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी बताता हूँ तो भी तो मैं थ्री अपॉइंट सिक्स कि छः में से तीन आउटकम्स ऐसे हैं जो इवेंट ए को सेटिस्फाई कर रहे हैं फिर मैं अगर कहूंगा फाइव और सिक्स कुछ तो दो आउटकम्स छः में से ऐसे हैं जो इवेंट बी को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो टोटल टोटल तो छह ही आउटकम्स है ना तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो भी आउट ऑफ सिक्स होगी इवेंट बी की निकालूंगा तो भी आउट ऑफ सिक्स होगी और अगर ए और बी के कॉमन आउटकम्स देखूंगा कि छह आउटकम्स में से कितने आउटकम्स ऐसे हैं जो इवेंट ए और बी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं तो टोटल आउटकम्स जो, हैं वो हैं और और जो हैं वो है वो सिक्स है और ए और बी के कॉमन आउटकम्स जो है वो वन है लिहाजा वन अपॉइंट सिक्स प्रोबेबिलिटी होगी तो याद रखें ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए डिनोमिनेटर में टोटल आउटकम्स ही आते हैं जितने पॉसिबल होते हैं और जितने कॉमन आउटकम्स होते हैं जो ए और बी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं उसकी तादाद नोट करके वो न्यूमरेटर बच जाती है तो कॉमन आउटकम क्योंकि एक ही है लिहाजा न्यूमरेटर में एक आउटकम हो गया और टोटल पॉसिबल आउटकम्स जो है जब डाई को फेंका जाता है तो छः होते हैं लिहाजा वन अपॉइंट सिक्स अच्छा मैं यहाँ ये बात कर रहा था देखिए फेयर डाई कुछ बच्चे ना डाई और डाइस में फर्क नहीं करते याद रखें डाई और डाइस में क्या फर्क है जब वो लिखता है टू फेयर डाइस आर थ्रो जब टू लिखेगा ना तो वो डाइस कहता है तो डाइस इज द प्लूरल और जब वो एक डाई की बात करता है ना तो वो डाइस नहीं कहता है डाई कहता है so, well, dice, तो इफ़ यू आर गोइंग टू सर्च ऑन द गूगल एज वेल वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डाई एंड अ डाइस तो आपको खुद पता चल जा जाएगा कि डाई सिंगुलर है और डाइस आपका प्लूरल है लिहाजा क्योंकि यहाँ पर एक ही डाई की बात हो रही है लिहाजा तो डाई और अगर दो की बात होगी कहीं तो फेयर डाइस लिखा होगा यहाँ भी फेयर डाई लिखा हुआ था यहाँ भी फेयर डाई लिखा हुआ तो वन सिक्स लिखना जरूरी है वन आपका एक नंबर चला जाए। तो जो आंसर मुझे नजर आए चैट पे उसमें किसी ने भी ये आंसर नहीं लिखा ये तो लिखा कि ए इंटरसेक्शन बी की प्रॉबीस जीरो नहीं है लेकिन ये नहीं लिखा कि है क्या वन अपॉइंट सिक्स से ये लिखना जरूरी है देखिए एंड में आप इस तरह से पूरा कंक्लूजन दे सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो लिखा हुआ था पहले हाँ उसी को फॉलो कर लेने ए इंटरसेशन बी की प्रोबिलिटी जो है लिख <coughs> दी उसको बता दिया कि मुझे निकालने आती है और एक नंबर जो इसको देखने पर एग्जामिनट ने देना था वो एग्जामिन ने दे दिया नो

तो ये दो एग्जाम्पल्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के मुकम्मल हो गए अच्छा जी अब हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं और आपको ये मौका देते हैं सवाल सॉल्व करने का एग्जाम्पल नंबर थ्री टू फेयर डाइस आर थ्रोन इवेंट ए इज द स्कोर्स डिफर बाय थ्री और मोर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए

तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ वैसे क्योंकि तो कन्फ्यूजन आने के चांसेस होते हैं लेकिन मैं आपको घंटी बजाता हूँ जब ओ लेवल और आई जी में प्रोबेबिलिटी आता था तो आप पॉजिटिव डायग्राम बनाते थे और नॉर्मली पॉजिटिव डायग्राम बना हुआ होता था आपने उसको खाली भरना होता था बट अब आपने खुद से पिक करना है कि पॉसिबल डायग्राम बनेगा या नहीं बनेगा और उससे मुझे हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी तो यहाँ अगर आप देखें जब तो उसने कहा ना टू फेयर थ्रू सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे तो पहले dice में हैं, और दूसरे dice में भी six outcomes हैं। तो, six times six is 36. तो तो टोटल आउटकम्स थर्टी सिक्स फिर इवेंट ए में कह रहा है द स्कोर डिफर बाय थ्री और मोर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप जो है ना पॉसिबल डायग्राम बना लें तो देखें पहले तो मैंने टोटल आउटकम्स निकाल ली थर्टी सिक्स टोटल आउटकम्स थर्टी सिक्स है फिर मैंने पॉसिबल डायग्राम बनाया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अब आप मुझे बताएं कि पहले डाय में अगर वन आएगा और दूसरे डाय में भी वन आएगा तो इनका डिफरेंस कितना होगा जीरो जब क्वेश्चन इसने कहा था डिफरेंस क्या होना चाहिए थ्री और मोर तो जब वन यहाँ आएगा तो यहाँ पर क्या आना चाहिए भाई फोर आना चाहिए ताकि डिफरेंस जो है थ्री आ जाए तो ये वाला आउटकम वन फोर वाला इवेंट ए को सेटिस्फाई करेगा तो मैंने ए लिख दिया यहाँ पर फिर वन फाइव वाला आउटकम भी इवेंट ए को सेटिस्फाई करेगा फिर ये वाला भी वन सिक्स वाला भी ए को सेटिसफाई करेगा मतलब तो इवेंट ए का ही आउटकम होगा वन सिक्स वन फोर वन फाइव वन सिक्स वन के साथ फोर वन के साथ फाइव वन के साथ सिक्स इसी तरह टू के साथ देखा जाए तो टू के साथ है फाइव और सिक्स जो ए लिखा हुआ है इसी तरह थ्री थ्री के साथ देखेंगे तो थ्री के साथ है सिक्स बस एक ही है फोर के साथ देखेंगे तो एक है वन फोर वन फाइव के साथ देखेंगे तो फाइव वन एंड फाइव टू सिक्स के साथ देखेंगे तो सिक्स वन सिक्स टू एंड सिक्स थ्री सिक्स वन सिक्स टू एंड सिक्स थ्री तो ये आपके कितने आउटकम्स हो गए जो आपसे पूछा था ये आउटकम्स किसी ना किसी तरह एग्जामिनर को वर्किंग की फॉर्म में दिखाने होते हैं क्योंकि ये पाँच सप्ताह का सवाल है आपको नज़र आ रहा है और थ्री मार्क्स इसके जब तक कि आप आउटकम्स नहीं दिखाएंगे क्या आपको समझ में आ रहा है आप डायरेक्ट आंसर देंगे प्रोबेबिलिटी का तो मार्क्स कैसे मिलेंगे यू हैव टू शो तो द आउटकम्स या तो लिखें वन फोर वन फाइव वन सिक्स टू के लाइन में आप लिखें टू फाइव टू सिक्स या तो सारे आउटकम्स जिस तरह से लिस्ट डाउन कर लें या एटलीस्ट पॉसिबल डायग्राम बना के ही जितना मैंने बनाया है उसी तरह बना के बता दें ताकि पता चल जाए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह ऑल टूगेदर ट्वेल्व आउटकम्स आउट ऑफ इवेंट ए तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ट्वेल्व अपॉन थर्टी सिक्स देखिए मैंने यहाँ बारह आउटकम्स लिखे हुए भी हैं इसी तरह मैनुअली सोच के लिखे थे वन के साथ फोर वन के साथ फाइव वन के साथ सिक्स टू के साथ फाइव और सिक्स थ्री के साथ सिक्स फोर के साथ वन फाइव के साथ वन फाइव के साथ टू सिक्स के साथ वन टू एंड थ्री काउंटिंग कर ली बारह आउटकम्स हो गए तो इवेंट ए की जो प्रोबेबिलिटी आई दैट इज ट्व अपॉन थर्टी सिक्स विच इज सिंप्लीफाइड टू वन अपॉन थ्री ये आपका पार्ट नंबर वन हो गया पार्ट टू में वो कह रहा है अब देखें या तो आप डायरेक्टली सोच सोच के लिख लें या फिर पॉसिबल ड्रैगन बनाने से आपका काम काफ़ी आसान हो जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया फिर वो कह रहा है इवेंट बी इज द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर इज ग्रेटर देन ही तो आप सोचना शुरू करो सब पॉसिबल डायग्राम सोचने में भी आपके अलग आसानी करेगा ज़्यादा कुछ बच्चे टेंशन में ज़्यादा आ जाते हैं हर कोई इतना सोच भी नहीं सकता तो पॉसिबल डायग्राम आपकी हेल्प करेगा द प्रोडक्ट ऑफ द स्कोर इज ग्रेटर देन ही तो आप देखना शुरू करो वन की लाइन में कोई ऐसा नंबर है जो वन के साथ मल्टीप्लाई हो और प्रोडक्ट आपका ग्रेटर देन एट आए अपने घर नहीं इस वाली रो में कोई भी नहीं टू के साथ आपने देखा तो टू के साथ टू फोर ज़ा एट होता है टू फोर ज़ा एट होता है बट हमें तो ग्रेटर देन एट चाहिए था तो टू फाइव वाला आउटकम हो गया और टू सिक्स वाला हो गया टू के साथ फाइव एंड टू के साथ सिक्स तो बी यहाँ और यहाँ टू के लाइन में दो जगह बी है तो थ्री के लाइन में देखा जाए तो थ्री 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 फोर थ्री फाइव और थ्री सिक्स फोर की लाइन में देखा जाए तो फोर थ्री फोर, फोर 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 फाइव और फोर सिक्स फाइव की लाइन में देखा जाए तो फाइव टू फाइव थ्री फाइव फोर फाइव 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 सिक्स और सिक्स की लाइन में सिक्स टू सिक्स थ्री सिक्स फोर सिक्स फाइव सिक्स बहुत सारे आउटकम तो मैंने जो है ये भी वर्किंग की हुई है कि आप पॉसिबल डायग्राम के अंदर ही भी लिख दें कि आप ये भी कर सकते हैं कि टू फाइव टू सिक्स सोचना शुरू करें थ्री तो थ्री में लेकर पूरी लाइन थ्री सिक्स तक है तो मैंने लिख दिया कि चार आउटकम्स बनेंगे फोर थ्री में फोर सिक्स तक चार बनेंगे फाइव टू में फाइव सिक्स फाइव टू से फाइव सिक्स तक पाँच बनेंगे और सिक्स टू से सिक्स तक पाँच बनेंगे पाँच पाँच दस दस और आठ अठारह अठारह और दो बीस ऑल सेटिस्फाई इवेंट बी सो द ओवर थर्टी सिक्स सिंप्लीफाइड टू फाइव ओवर नाइन ये आपका सेकेंड पार्ट भी हो गया तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी सिंप्लीफाई होने के बाद वन अपॉइंट थ्री और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी फाइव अपॉइंट नाइन अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त एक्सक्लूसिव इवेंट्स के हवाले से पार्ट नंबर थ्री स्टेट विद अ रीजन वेदर इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रीजन देकर बताएं क्या इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं आर इवेंट्स ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जनाब क्या जवाब देंगे आप इसका सर बोथ इवेंट्स कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा वेग स्टेटमेंट है देर आर कॉमन आउटकम्स इन बोथ अलग है ग्रेटर और एक इवेंट है बोथ इवेंट्स कैन टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऐसे ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों के दोनों इवेंट्स तो तमाम आउटकम्स मैच कर उटकम इन बोथ दउटकम्स कॉमन है ये देखें जरा ओवर सिक्स तो में देखता हूँ देखें ये आउटकम है जहाँ ए और बी दोनों है इसका तरीका मुख्तलिफ होता है या तो आप यहाँ तो बहुत आसान हो गया पॉसिबल एग्जाम बनाने के बाद लेकिन आप इस भी सोच सकते थे जिसके आउटकम्स कम होते हैं ना उस पर आके देख लिया करें तो ये बारह आउटकम्स कम वाले आउटकम्स है इवेंट ए के इन बारह आउटकम्स में से कौन सा आउटकम है जो बी को भी सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये बारह के बारह ए को तो सेटिस्फाई कर ही रहे हैं इनमें से कौन से ऐसे हैं जिन जिनमें प्रोडक्ट ग्रेटर देन एट भी है आपने कहा इसमें है नहीं इसमें भी नहीं इसमें भी नहीं इसमें है इसमें है दो हो गए तीन चार पाँच और छ आपको छः आउटकम्स नजर आ रहे हैं आउट ऑफ थर्टी सिक्स तो आप इस तरह से भी सोच सकते हैं और चूँकि मैंने यहाँ तो पॉसिबल डायग्राम ही बनाया हुआ था तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ ए और बी दोनों हैं यहाँ भी ए और बी दोनों है एक आउटकम ये हो गया एक ये हो गया दो एक ये हो गया तीन एक हो गया चार एक हो गया पांच एक हो गया छः यहाँ से काउंटिंग करना ज़्यादा आसान हो गया लेकिन यूजुअली पॉसिबल डायग्राम नहीं जब बनाया होता तो फिर हम ये करते हैं कि दो इवेंट्स के कॉमन आउटकम देखने के लिए जो छोटी वाली इवेंट होती है जिसके आउटकम्स कम होते हैं उस पर हम आते हैं और उस पे आने के बाद हम देखते हैं कि उन तमाम आउटकम्स में से कौन से आउटकम्स ऐसे हैं जो साइमल्टेनियसली दूसरी इवेंट को भी सैटिस्फाई हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वन बाय वन ए के बारह आउटकम्स को देखा और उसमें से ये देख लिया कि कितने ऐसे जो बी को भी कर रहे हैं तो छः निकल आए लिहाजा मैंने लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन थर्टी लिहाजा इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पहले मैंने ये भी लिखा कि ए इंटरसेशन बी की अपॉर्टी क्या है क्योंकि तो ये देना जरूरी है वरना मार्क्स पूरे नहीं मिल सकते और फिर मैंने कह दिया कि दे आर नॉट एक्सक्लूसिव क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी की अपॉडर्टी जीरो नहीं है और जीरो नहीं है तो फिर क्या है वो पहले ही दे चुका था एग्जामिनर तो की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ए इंटरसेशन बी की प्रोबिलिटी भी देनी थी तो वो भी दे दी और ए इंटरसेशन बी के बॉडी जीरो नहीं है तो ये एक्सक्लूसिव नहीं है यहाँ हमने एग्ज़ाम्पल नंबर थ्री को भी मुकम्मल कर लिया साथ साथ कॉपी कर रहे हैं ना आप लोग एग्जाम्पल थ्री को पूरा कॉपी कर और मुझे बता दे कि क्या यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट डन एंड क्लियर हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह चले अलहमदुल्ला ऑल क्लियर मूविंग फॉरवर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स की तरफ पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होती है इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं independent हम टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट इफ द नॉलेज दैट वन अकर डजेंट चेंज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अदर इवेंट ये वर्ड डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट हम अक्सर सुनते हैं एक बंदा जो स्कूल लाइफ में होता है वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है तो अगर उसको कोई लेट सपोज उसको कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करना है तो वो इंडिपेंडेंटली फैसला नहीं कर सकता ही इज़ डिपेंडेंट अपॉन हिज पेरेंट्स ही हैज़ टू टेक परमिशन ही हैज़ टू सीक परमिशन फ्रॉम द पेरेंट्स कि भाई मैं ये कोर्स कर लूँ या नहीं करूँ क्योंकि okay? पैसे तो वो देंगे फाइनेंसर तो वो हैं उन्होंने मना कर दिया तो बस नहीं हो सकता और एक होता है बंदा जो खुद कमाता है खुद डिसीजन मेकिंग करता है तो हम कहते हैं देखो यार ये बंदा इंडिपेंडेंट है अगर इसको कोर्स करना है तो ये ये चाहे तो कर सकता है और ये चाहे तो ना करे, तो ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का वर्ड हम अच्छी तरह से समझते हैं यहाँ पर जो है जो वर्ड इंडिपेंडेंट है वो इवेंट्स के साथ लगा हुआ है टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट ज दैट वन अकर्ड डेंज द प्रोबिलिटी ऑफ द अदर एवं एक के होने से दूसरे को फर्क नहीं पड़ता फॉर एग्जाम्पल आउटकम्स ऑफ द टू रोल्स ऑफ अ फेयर डायपेंडेंट इवेंट्स मैंने पहली दफा डाय को थ्रो किया और मेरा इवेंट नंबर आया अब मैं दूसरी दफा फेंकूंगा तो क्या इवेंट आने के इवेंट नंबर आने के चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई क्योंकि पहली दफ़ा ईवेंट आया था तो अब मैं समझता हूँ कि अब ईवेन आने के चांसेस ज़्यादा होंगे नहीं भाई इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले भी थ्री अपॉइंट सिक्स थी और अभी भी थ्री अपॉइंट सिक्स है और दस डाए को भी फेंकेंगे दस दफ़ा एक ही डाई को दस दफ़ा फेंकें या दस अलग अलग डाए को फेंकें एक ही बात होती है लेकिन हर दफ़ा ईवेंट आने के चांसेस थ्री अपॉइंट सिक्स ही होंगे चाहे अगर नौ दफ़ा डाए फेंका और नौ दफ़ा ईवेंट आ गया तो भी दसवीं दफ़ा कोई मुझसे पूछेगा कि अब बताओ ईवेंट आने के चांसेस क्या है तो मैं अब भी यही कहूंगा कि इवन आने के चांसेस थ्री अपॉइंट सिक्स ही है और दस दफा अगर ऑड नंबर दस में से नौ दफा नौ दफा अगर ऑड नंबर आया था और अब दसवीं दफा मुझे कोई बताता है पूछता है कि बताओ इवन के चांसेस क्या है तो अब भी मैं थ्री अपॉइंट सिक्स ही कहूंगा इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स की मिसाल है कि ऐसे इवेंट्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं जिसमें एक के हो जाने से दूसरे पे फर्क नहीं पड़ता the outcome of first roll does not change the probability for the outcome of the second roll pehli die pe kya aaya kuch bhi aaya ho second die ki jo kisi bhi outcome ki probability hai wo change nahi hogi uske hisab se to pehle panch dafa odd aaya और फिर even आने के chances देखें तो भी थ्री upon सिक्स और पहली पांच दफा even आया छठी दफ़ा फेंकने के छठी दफ़ा क्या आएगा कि प्रोबेबिलिटी देखी इवन की तो भी थ्री अपॉन्ट सिक्स तो इसका मतलब डिपेंडेंस ही नहीं होगा इफ टू इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट दे आर नोन एज डिपेंडेंट इवेंट्स वेरी लॉजिकल बात है इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर दो इवेंट जो हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं हो तो फिर वो यकीन डिपेंडेंट है इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट दिस मीन्स दैट दे हैव नो इफेक्ट ऑन वन अवर ये असल बॉटम लाइन है दो इवेंट्स अगर इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब दोनों का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं दे हैव नो इफेक्ट ऑन वन अनदर टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स इफ द फॉलोइंग आर ट्रू अच्छा ये तीन पॉइंटर्स जो हैं वो लिखे हुए होते हैं इसके मैं आपको दोनों बताता हूं लेकिन पहले दो जो हैं उनका ताल्लुक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ भी है ये फार्मूला के अंदर हम पढ़ते हैं नीचे आगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाऊंगा बट इसका मतलब इसको पढ़ते कैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ए गिवन गिवन दैट दैट इवेंट इवेंट बी हैज इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब जो वैसे ए की प्रोबेबिलिटी है जो नॉर्मली जो ए की प्रोबेबिलिटी है और जो बी के हो जाने के बाद ए की प्रोबेबिलिटी है तो दोनों केसेस में सेम है नहीं समझो देखें हर इवेंट की एक प्रोबेबिलिटी होती है तो ये यहाँ एक बात लिखी हुई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट इसको पढ़ने का ये तरीका होता है ये ऑब्लिक जो होता है ना लाइन इसके बाद जो लिखा होता है ना उसका मतलब होता है समथिंग दैट हैज अकर्ड दिस इज द गिवन कंडीशन या इस इस फका में जो कॉन्टेक्स्ट ले रहे हैं उसके अंदर इवेंट बी जो है गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड तो हालांकि बी इवेंट अकर हो चुकी है तो अगर तो ए को कोई फर्क पड़ना होता बी के होने की वजह से तो अब वो प्रोबेबिलिटी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ना होती कुछ और होती लेकिन क्योंकि बी के हो जाने के बावजूद भी ए की प्रोबेबिलिटी वही है जो नॉर्मल केसेस में थी इसका मतलब ए और बी आपस में इंडिपेंडेंट सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज ऑलरेडी अकर्ड इवेंट ए जो है वो गिवन के बाद गिवन कंडीशन होती है कंडीशन है कि ए अकड़ हो चुकी है इवेंट ए हो चुका है अकड़ इवेंट ए के अकड़ होने का पता चल चुका है इवेंट बी को फिर भी इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी वही रहेगी जो नॉर्मल केसेस में स्टैंड अलोन होती है सही है बहरत ये इंडिपेंडेंट साबित करने के लिए हम इनको यूज करते भी नहीं है ये तो ऐसी किताबों में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मैंने आपके सामने एक बात रख दी हम सी आई सिलेबस के मुताबिक ये वर्किंग को फॉलो किया करते हैं दिस इज द वर्किंग दैट वी यूजअली फॉलो एज पर द के सिलेबस कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्व टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सब्स में एक बार ध्यान में रख लें कॉन्सेप्ट तो समझ आ गया ना इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या हैं ऐसी दो इवेंट्स जिनमें आपस में कोई इफेक्ट एक दूसरे पर ना हो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट कहलाती हैं तो कैम्ब्रिज एग्जाम के मुताबिक कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक जब भी मुझे साबित करना हो कि दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो मैं तीन चीज़ें निकालता हूँ तीन प्रोबेबिलिटीज निकालता हूँ मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ इसको निकालना हम ऊपर सीख चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे फाइंड की जाती है फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालनी होगी फिर मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी होगी और मुझे फिर मुझे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना हो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर हो तो उसका मतलब ये इसका मतलब ये होगा कि दोनों एवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर नहीं है ये दोनों साइड आपस में मैच नहीं कर रहे इसका मतलब द एवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट यही बात दिखी हुई है वैल्यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी द लेफ्ट साइड एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एज दोडक्ट ऑफ द प्रोबिलिटी ए एंड एक कैलकुलेशन ये होगी और एक कैलकुलेशन ये होगी और इनकी वैल्यूज आपस में कंपेयर हूँ इफ दे आर इक्वल इन वैल्यू इनकी वैल्यू बराबर हो जाए इसका मतलब ये दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं और अगर ये वैल्यूज कंपेयर करने पर पता चलता है कि ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट नहीं है अब इसमें बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस करेंगे ना तो कंफ्यूज होंगे कॉन्सेप्ट तो पता चल गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है उसके बाद आपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैथडोलॉजी फॉलो करनी है उसको समझ लेना है अच्छा अब इंडिपेंडेंट में आपने ओल्ड हर्ज में कुछ इंडिपेंडेंट का पढ़ा था खास नहीं पढ़ते बट हम विध रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट की बात ज़रूर करते हैं अच्छा पहले मैं ये बात मुकम्मल कर लूँ जो तो मैंने छेड़ी थी एज पर दी ए आई ई सिलेबस दर्ड कंडीशन इज टू टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट दिस वन दिस वन जो मैंने बोल की थी इफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन आर फाउंड एंड बोथ आर इक्वल देन द टू इवेंट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट अगर ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इन दोनों का आंसर मैच कर जाता बोथ आर इक्वल इक्वेशन की दोनों साइड्स बराबर है इसका मतलब इवेंट्स ए और बी इंडिपेंडेंट हैं

प्रोबेबिलिटीज है प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ऊपर वाला मिसाल है ऊपर तो पूछा था इंडिपेंडेंट पूछा नहीं था बट मिसाल है अगर मुझे पूछा जाए इसी सवाल में आर इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट क्या इवेंट्स ए एंड बी इंडिपेंडेंट है या नहीं तो मैं क्या करूंगा पता है मैं चेक करूंगा इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी और इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी इनका प्रोडक्ट निकालूंगा और ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी को उससे कंपेयर करूंगा ज़रा यहाँ चेक करें कि वन अपॉन थ्री को जब तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फाइव अपॉन नाइन से ये बन जाता है फाइव अपॉन ट्वेंटी सेवन इवेंट ए और इवेंट बी का जो प्रोडक्ट है वो बन जाता है फाइव अपॉन्ट ट्वेंटी सेवन

और अगर इंडिपेंडेंट होता तो उसमें भी हम देते इवेंट्स ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स जब कुछ बच्चे कनेक्शन पूछते हैं सर अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो क्या इंडिपेंडेंट होंगी या म्यूचुअली एक्सलूसिव नहीं है तो क्या इंडिपेंडेंट नहीं होंगी भाई इन दोनों को आपस में मिक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है याद रख लो दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है दोनों का अलग अलग तरीका है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहता है कि अगर कॉमन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जीरो है तो एक्सक्लूसिव है कॉमन आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है तो एक्सक्लूसिव नहीं है इंडिपेंडेंट वाली बात ये करता है कि अगर तो इवेंट्स ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट इनकी कॉमन आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है उससे बराबर है तो वो इंडिपेंडेंट है और अगर बराबर नहीं है तो नॉट इंडिपेंडेंट तो दोनों का अलग अलग तरीक़ार है दोनों को अलग अलग रखें दोनों को मिक्स मत करें अब जैसे जो एग्जाम्पल थ्री हमने सॉल्व किया था उसमें इवेंट्स ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं थी सिमिलरली इंडिपेंडेंट में भी हमने चेक किया कि ए और बी का जो प्रोडक्ट था वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर नहीं है इज इज नॉट नॉट टू टू ए और बी का जो प्रोबलिटी का प्रोडक्ट है वो इनके कॉमन आउटम्स की प्रोबी जो है ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबर्टी जो है उसके बराबर नहीं है लिहाजा दे आर नॉट इंडिपेंडेंट बस ये जहन में रखेंगे एक्सक्लूसिव में और इंडिपेंडेंट में कोई बिला वजह का कनेक्शन ड्राइव करने की जरूरत नहीं अच्छा अब हमने ये मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन के लिखा हुआ है कि हम ओल्ड में जो सवाल किया करते थे तो कभी टी डाइग्राम का सवाल आता था तो कभी विथ रिप्लेसमेंट होता था और कभी विदाउट रिप्लेसमेंट होता था जहन में रखें कि अगर कभी विथ रिप्लेसमेंट लिखा हुआ है कभी सवाल है और विथ रिप्लेसमेंट है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स की दलील है सोचो

प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या है तो मैं कहूँगा फोर अपॉन सेवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट क्या है मैं कहूँगा थ्री ओवर सेवन जेम्स डॉज वन मार्बल फ्राम द बैग एट रैंडम रिकॉर्ड द कलर एंड रिप्लेसिज द मार्बल प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू इज फोर ओवर सेवन एंड जेम्स डॉज अ मार्बल फ्राम द बैग फॉर द सेकेंड टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लू इज स्टिल फोर ओवर सेवन जेम्स रिप्लेस द मार्बल आफ्टर द फर्स्ट डॉ सो देर आर स्टिल फोर ब्लू एंड थ्री वाइट मार्बल्स अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पहली दफ़ा ब्लू निकाली जा रही थी तो प्रोबेबिलिटी फोर पॉइंट सेवन थी अब अगर मुझसे कोई पूछता है कि बताओ दूसरी दफ़ा ब्लू निकालने के चांसेस क्या है तो मैं आंखें बंद करके कहूंगा फोरअ पॉइंट सेवन तो मुझसे कहता है कि दसवीं दफ़ा ब्लू निकालने के चांसेस क्या है तो भी मैं आखिरी आंखें बंद करके कहूंगा फोर पॉइंट सेवन इसका मतलब मुझे ये कंसर्न ही नहीं है कि पहली इतनी दफ़ा जो है वो ब्लू आया था या वाइट मार्बल आया मुझे इससे कोई कंसर्न लेना देना ही नहीं क्योंकि मुझे पता है ये विद रिप्लेसमेंट है उसमें इंडिपेंडेंट है और मुझे पुरान पास्ट में क्या हुआ उसको जानने की मुझे जरूरत ही नहीं बट अगर यही सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट हो जाएंगन विदाउटेशन मेंिस फॉर द सेकेंड पिक आर अफेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट पिक अब अगर सेकेंड दफा ब्लू निकालने की बारी आएगी तो हम और हमें कोई कहेगा बताओ सेकंड दफा ब्लू निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है तो मैं पहले पूछूंगा कि बताएं पहली दफ़ा क्या निकाला था वो बोलेगा कोई वो बोलने पर क्यों पूछ रहे हो तो आप बोलोगे भाई डिपेंडेंट इवेंट है यार विदाउट रिप्लेसमेंट है जब तक मुझे ये नहीं पता चलेगा कि तुमने पहली बॉल व्हाइट निकाली है या ब्लू निकाली है पहला मार्बल ब्लू निकाला है या व्हाइट निकाला है मैं कैसे बता सकता हूँ कि उससे मार्बल में ब्लू के चांसेस क्या है वाइट के चांसेस क्या है मैं नहीं बता सकता मुझे पहले बताओ पहली दफा में क्या निकाला था I maria mean, dependency so without replacement dependency her bag contains four blue and three white marbles maria draws one marble from the bag at random records the color and sets the marble aside the probability of drawing blue on the first draw is 4 over 7 suppose maria draws a blue marble and sets it aside when she draws a marble from the bag for the second time there are now three blue and three white marbles

तो इसका मतलब जो हम ओल एवल्स में पढ़ा करते थे आई में उसमें विथ रिप्लेसमेंट का मतलब होता था कि दोनों इवेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट हैं दोनों दफ़ा दो दफ़ा या तीन दफ़ा हमने ब्लू बॉल निकाली या ब्लैक बॉल निकाली या रेड बॉल निकाली या मार्बल निकाला इस केस के अंदर तो वो इंडिपेंडेंट है और अगर विदाउट रिप्लेसमेंट निकाला तो वो डिपेंडेंट सही है तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने इंडिपेंडेंट का कवर कर लिया है इंडिपेंडेंट कैसे साबित करते हैं ये भी समझ आ गया है आगे कंडीशन का कॉन्सेप्ट भी है और फिर एक एग्ज़ाम्पल भी पास पेपर का है जिसमें कंडीशनल का और इंडिपेंडेंट का एक सवाल साथ साथ है तो वो इंशाल्लाह मज़ीद एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास के अंदर कंसिडर करेंगे आज के लिए इंशाल्लाह हम इतना ही रखेंगे बस इतना मुझे बता दें अब तक जो हमने कवर किया इज़ इट क्लियर टू एवरी वन ऑल गुड ऑल क्लियर ओके चलिए अलहमद सबको क्लियर है सबको समझ आ गया तो जितना मैंने पढ़ाया है उसको रिव्यू कर लीजिएगा और इनशाला जो आपका पुराना टॉपिक चल रहा है फॉरमेशन एंड कॉम्बिनेशन उसके सवाल जारी रखें इन कॉम्बिनेशन के सवाल को मुकम्मल करें और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी एक्सप्लेशन रिमेनिंग से पहले हम उन सवालत को डिस्कस कर सकते हैं अभी आपके पास टाइम है काफ़ी सारे दिन हैं तब आके उसके सवाल करें और फिर हम सवाल में जो मसले मसाइल होंगे उसको पहले देखेंगे और फिर इन प्रोबेबिलिटी के एक्सपेक्टेशन को मुकम्मल करेंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखें दुआ में मुझे याद रखें असल वरह वा